आज इस वीडियो में दोस्तों देखिए हमारे पास है ये कन्वर्टर छोटा सा जो कि नॉर्मली मार्केट में बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है, लगभग 300 से 400 के आसपास, कहीं कहीं पर तो 350 का भी मिल जाता है। आपका मार्केट कैसा है उसके हिसाब से यहाँ पर लोग प्राइस लगा देते हैं। मेरे पास दोस्तों काफ़ी पुराना है, काफ़ी कई साल हो गए मुझे इसीलिए, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। और मैं यूज़ नहीं क्यों नहीं करता हूँ सब कुछ इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर होने वाला है। और इसमें जो इसमें बल्ब वगैरह है मैं चेंज कर दिया हूँ घर पर, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि यूज आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो कलर टीवी DVD SMPS DTH मोबाइल चार्जर, मतलब जितना दोस्तों सर्किट वाले चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को चला सकता है। लेकिन जो लिखा है डू नॉट यूज ऑर्डिनरी बल्ब, तो ये ऑर्डिनरी दोस्तों जो 100 वाट का बल्ब होता है उसको ये लिखा है कि आप सीधा जो उसे नहीं चला सकते, ब्लैक एंड व्हाइट TV नहीं चला सकते, VCD फैन वगैरह नहीं चला सकते। तो बेसिकली दोस्तों जितनी भी ट्रांसफार्मर वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें इसे डायरेक्टली नहीं चला सकते, जितने बाइंडिंग वाली होती हैं इंडक्शन वाली चीज़ें इसमें आप सीधा नहीं चला सकते। तो ये किस काम के लिए है, तो मैक्सिमम लोग इसे मोबाइल चार्जिंग के लिए ख़रीदते हैं। तो आप रुक जाइए, पहले इसको पूरा देख लीजिए कि मोबाइल चार्ज के लिए लायक भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मोबाइल चार्ज करते हैं और मोबाइल चार्जर को भी ख़राब कर देते हैं। तो वैसा क्यों होता है चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। मीटर भी है मेरे पास में, मैं इससे आपको पूरा चेक करके देखिए। मैंने इसके चारों स्क्रू को ओपन कर लिया है, अब चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो इसकी जो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी है यहाँ तक की, तो ये तो काफ़ी अच्छी लगती है, ये जो इसका मटेरियल दिया गया है टीन का है और ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब देखते हैं इसके अंदर, तो चलिए मैं इसकी थोड़ी सफाई कर। देखिए दोस्तों खोलने के बाद ये ऐसा इसमें कुछ निकलता है, तो ये किट है इसका। तो यहाँ पर आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर MOSFET वगैरह लगे हुए हैं दो, जो कि इसको अल्टरनेटिव करंट में बदलते हैं और उसके बाद फिर इसे ट्रांसफार्मर को देते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसे AC करंट को यहाँ से आउटपुट करता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये ना तो पूरा AC ही आउट करता है ना तो पूरा DC ही आउट करता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लैक्चुएसन भी वोल्टेज में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर 35-25 IC इसमें लगी हुई है, इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसमें हेल्प करती है कि ओवरलोड हो जाए भैया तो ये ऑटो कट कर दे सप्लाई को, ट्रांसफार्मर वगैरह पर लोड ना पड़े, इसका MOSFET वगैरह जले ना इसके लिए। पहले हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से, फिर आपको दिखाते हैं। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, अब इसमें सप्लाई आ गई। यहाँ इसका बटन है जिसके पावर ऑन इसे करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने इसे ऑन किया तो यहाँ देखिए अभी मैंने ऑफ किया, फिर देखिए ऑन किया तो LED जल गई। अब इसमें दोस्तों थोड़ा नॉइज है जो कि CT की तरह बजता है हल्का सा। अब चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना निकालता है। तो यहाँ पर देखिए मीटर है हमारे पास, तो चलिए हम मीटर को भी यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको भी पूरा क्लियर दिखे कितना वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। इसको दोस्तों थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव करंट है। देखिए जैसे ही मैंने इसमें कनेक्ट किया मीटर का कुछ अलग सा साउंड आने लगा, तो चलिए फिर से इसे देखते हैं। तो देखिए अभी तो मेगा ओम में भी है, देखिए कुछ वोल्टेज बताने के साथ देखिए DC का ओवरलोड बताने लग रहा है, मतलब कि 1000 वोल्ट से जैसे ऊपर की सप्लाई निकाल रहा हूँ। चलिए मैं इसमें से इसको आपको सीधा कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मीटर भी नहीं बता पा रहा है, ये वाला दोस्तों ऑटोमेटिक मीटर है इसलिए ये अभी ख़राब नहीं हुआ है, देखिए पूरा सही है अभी बिल्कुल। लेकिन अगर यहीं पर वो आपका 200 रुपये वाला मीटर होता तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होता इतनी इस कंडीशन में। तो इस वाले कन्वर्टर को दोस्तों आप बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत ही बेकार है। इससे अच्छा तो आप सेकेंड हैंड में इन्वर्टर ले लीजिए, नहीं तो UPS आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही मोबाइल चार्ज की दिक्कत होती है 12 वोल्ट बैटरी से, तो आप UPS ले सकते हैं। UPS का पूरा किट, सिर्फ आपको बैटरी आपको दूसरी लगानी पड़ेगी, जैसे ये बैटरी को चार्ज भी नहीं कर सकता, UPS तो चार्ज भी कर देगा। आप UPS ले लीजिए, बल्कि आप बड़ी बैटरी यूज कीजिए, तो जिससे क्या होगा आपका प्रॉब्लम हट जाएगा। UPS जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई उसे कहते हैं, और वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। उसमें ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कि मीटर ख़राब हो जाता है ये वो कुछ नहीं होता। मैंने एक लोगों की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये वाली इस चीज़ को उन्होंने चेक किया और इससे उनका मीटर ख़राब हो गया 200 रुपये का, और दोबारा चेक भी करके नहीं दिखाया
क्योंकि वो डर रहे थे कि भाई दोबारा भी ख़राब हो जाएगा। तो 200 रुपये का मीटर था और जिन्होंने चेक किया तो उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती है, ख़राब हो जाता है ये भी दोस्तों, जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि देखिए डीसी में भी हाई वोल्टेज दिखा रहा था, तो इसका मतलब कि पता नहीं कितना करंट फेंक रहा है ये तो बता भी नहीं पा रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये मेरे पास काफ़ी पहले से रखा हुआ था, लेकिन मैं इसकी वीडियो इसीलिए बना के आपको दिखा दिया कि इस चीज़ को आप ख़रीद कर पैसा फालतू का मत फंसाएं, क्योंकि बहुत ही बेकार है। और देखिए उतना देर में मैंने कोई लोड भी नहीं चलाया, ट्रांसफार्मर हीट हो गया। नया लेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, कुछ दिन तक ठीक ठाक चलेगा, उसके बाद इस पर प्रॉब्लम आ जाएंगी, ख़राब ही होना है। इसको आप बिल्कुल भी मत लीजिए। और आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।